थोड़ी सी नर्वसनेस होती है डेफिनेटली बट देन वी आर एक्टर्स वी काइंड ऑफ कवर इट अप एंड बट नर्वसनेस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है बिकॉज when you are get the privilege to walk as a showstopper for a certain designer you feel nice and it was an honor to walk for Sonali and you know her collection Spark the name of the collection is Spark and it is inspired by her own name Sonali which means spark so it's a lovely collection of good colors if you can see there's a lot of detailing of zardozi and tikka sequins and whatnot. There's a lot of zardozi work on it and I'm just loving what I'm wearing you know this 3D dupatta and everything so yes I'm doing the film mujhe aaj bahut zyada khushi ho rahi hai ki main Hora and Victor ke liye aaj ramp walk kar rahi thi Victor to he has been by my side all throughout I think abhi jo mera fashion statement uplift hua hai it's thanks to his and his team's efforts so I had to be here today for him And he has made such an amazing collection. Hora, जो कि bags, clutches and watches में deal करते हैं उनके beautiful से collection को लेकर आज मैं चली हूँ और I'm actually looking forward to their next showcase जो कि अगले season में होने वाला है because अभी तो it was all colourful, vibrant. I'm loving what I am wearing today. I'm totally in love with it by the way. ब्यूटिफुल आई एम सॉरी मैं खुद ही अपनी ड्रेस पे गागा हो रही हूँ इयर रिंग मेरा हाँ काफ़ी ब्यूटिफुल है इट्स येलो गोल्डन कलर उस वो जितना खूबसूरत है उतनी ही अच्छी मैंने आज अपनी हेयर स्टाइलिंग भी की है एंड इट्स ऑल समरी आई वॉन्टेड माई हेयर टू बी अप एंड मेसी एंड माई आईज इफ यू कैन सी इवन दे आर कलरफुल टूडे सो वी आर टोटली प्लेइंग विद कलर्स मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा आई एम फीलिंग वेरी ग्लैमरस एंड वेरी शाइनी टूडे क्योंकि जो कलेक्शन मैंने पहना है जो ये राशि का जो ये नया कलेक्शन है मीराकी बाई राशि इज द नेम ऑफ द लेबल एंड द न्यू कलेक्शन इज कॉल्ड शाइन ऑन यू क्रेजी डायमंड इन हर वर्ड्स इट इज़ फॉर द टुडेज वुमन द वाइवेशियस बोल्ड वुमन एंड आई लव प्लेइंग दैट ये एक्चुअली मेरा पहले टाइम है कि मैं वाइट ब्राइट पहन के हाँ इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ वाइट ब्राइट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल आउटफिट इट वाज सुपर लाइट एक्चुअली आई हैव अ लॉट गोइंग ऑन बट इट्स सुपर लाइट एंड आई फील ब्यूटीफुल एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन वॉकिंग फॉर हर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मैंने एक मर्मेड आउटफिट पहना है और जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे हमेशा से एक वाइट ब्राइड की तरह ड्रेसअप होना था और आज मुझे मौका मिला है थैंक यू सोनल सो इट हैज़ बीन अमेजिंग बहुत ही अच्छा शो रहा है बहुत ही सब लोग बहुत ही ज़्यादा सब देख सकते हैं हर एक गाउन इतना ब्यूटीफुल है एंड सारी बाकी की मॉडल्स भी सब इतने अच्छे लग रहे हैं सब इतने प्रिटी लग रहे हैं तो आई हैड अ ग्रेट टाइम I think it's the new swing collection that she has done. She has more colors this time in her collection, and I think it's chic. It's nice. It's very pretty. All her other dresses are also the same. It's very pretty and chic. हम धीरज शर्मा को धीरज शर्मा को हम सपोर्ट कर रहे हैं धीरज एंड बेसिकली अगर मैं धीरज के बारे में कहूँ तो धीरज से मैं तब मिला था जब हम एक रिश्ता साथ में कर रहे थे एंड ही वाज़ द मैन बिहाइंड स्टाइलिंग आर्यन एंड साची एंड आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब सो वी आर हियर टू सपोर्ट हिम एंड चीयर हिम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड स्पेशली व्हेन यू आर विद अ फ्रेंड इट्स ऑल द मोर बेटर एंड कल की क्लोथ्स मैं बहुत टाइम से पहन रही हूँ बिकॉज आई रियली लाइक द क्लोथ्स स्पेशली द इंडियन क्लोथ्स बट इंडियन पहनने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है अनलेस देर इज़ अ वेडिंग बट टुडे मैंने थोड़ा सा एक चेंज करके मैंने एक साड़ी पहनी है जनरली आई एम इन वेस्टर्न बट इट्स द फर्स्ट टाइम दैट फॉर अ बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक आई एम इन अ साड़ी बिकॉज आई थॉट दिस साड़ी इज़ रियली डिफरेंट एंड इट्स नॉट लाइक द टिपिकल यू नो बहू साड़ी